नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सामग्री आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा तीसरी में पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख का भाग 2। प्यारे बच्चों, हमने पिछले कक्षा में सबसे बड़ा मूर्ख का भाग 1 पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे भाग 2। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राजा अकबर ने बीरबल को एक प्रश्न पूछा था। कौन सा प्रश्न था, याद कीजिए आप भी। हाँ, वह प्रश्न था कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो बीरबल ने कितने दिन का समय मांगा था उनसे? 1 माह का। हाँ, बिल्कुल सही, 1 माह का समय मांगा था उसने। अब 1 माह उसका समाप्त हो चुका है, उसके बाद क्या हुआ, इसका उत्तर उसे मिला या नहीं, आइए जानते हैं आगे इस पाठ में। जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो उसने उसका उत्तर दिया या नहीं, आइए जानते हैं इसको। जब बीरबल दरबार में उपस्थित हुआ तो उसका मुंह लटका हुआ था। उसका लटका मुंह देखकर अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। जब बीरबल दरबार पहुंचा तो उसका मुंह लटका हुआ था, उदास लग रहा था, देखने से ही उदास लग रहा था। उसका उदासी मुख देखकर वह अकबर समझ गए कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? उन्होंने फिर से वही सवाल दोहराया। अब बीरबल ने कहा, उत्तर में क्या कहा, पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दें आप, फिर मैं बताऊंगा, ऐसा बीरबल ने कहा। अकबर ने वचन दे दिया। अब बीरबल ने पूछा, हुजूर लिखकर बताऊं या जुबानी? उन्होंने पूछा, मैं आपको लिखकर बताऊं कि मुंह से बताऊं? अब अकबर ने कहा, ठीक है लिखकर बताओ। अब बीरबल ने क्या लिखा देखिए तो। बीरबल ने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालकर अकबर की ओर बढ़ाया। अब कागज को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। कागज को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने, मतलब बहुत गुस्सा क्रोधित हो गए थे वो देखकर ही। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और क्रोधित आंखों से उनकी ओर देखा, लेकिन बीरबल तो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत ने आग में घी डालने का काम किया, आग में घी डालना मतलब और अधिक गुस्सा दिला दिया उनको। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, इसका कोई प्रमाण? प्रमाण यानी सबूत, इसका कोई प्रमाण है, इसका कोई सबूत है? बीरबल ने कहा, मालिक गुस्ताखी माफ हो, गुस्ताखी अर्थात अशिष्टता, मुझसे जो गलती है उस गलती हुई हो उसके लिए आप मुझे माफ करें, लेकिन जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेशी को 1000 असरफियां दिलवाई हो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? ऐसा बीरबल ने कहा, किसको? राजा अकबर को, है ना। राजा अकबर ने क्या किया था, एक व्यापारी आया था उसके राज्य में, उसको 1000 असरफियां दे दी थी और घोड़े लाने के लिए, किंतु अभी तक वह व्यापारी वापस आया नहीं। तो इसलिए बीरबल उनको कहता है कि जो व्यक्ति अनजान परदेशी को 1000 असरफियां दे दे उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कौन हो सकता है। फिर देखते हैं इसकी अब अकबर की क्या प्रतिक्रिया रहती है। अकबर ने कहा, क्या मतलब? महाराज, आप आज 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया। उन्होंने जो पैसे उनको दिए थे व्यापारी को, उन पैसे को दिए हुए
लगभग 1.5 महीना हो चुका था, लेकिन वह व्यापारी अभी भी और घोड़े लेकर नहीं आया था, इसलिए आपकी असरफिया तो हाथ से गई है कि नहीं। अब अकबर ने थमथमाए स्वर में पूछा, बहुत क्रोधित होकर पूछा, अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो? ऐसा अकबर ने पूछा इसको बीरबल को। अब बीरबल ने बिना झिझक के उत्तर दिया, बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, आपका नाम काट कर उसका नाम लिख दूंगा मैं, अगर वो आ गया तो। अब अकबर को अपनी भूल का पता चला। अब उनको एहसास हो गया कि उन्होंने उस व्यापारी पर विश्वास करके भूल कर दी है, गलती कर दी है उनको ऊपर विश्वास करके। उन्होंने उठकर बीरबल को गले से लगा लिया। जब अकबर को अपनी गलती का पता चल गया तो उन्होंने क्या किया, बीरबल को गले से लगा लिया और बीरबल को 1000 अशर्फियां पुरस्कार में देने की घोषणा की। कितना? 1000 अशर्फियां बीरबल को उन्होंने पुरस्कार में दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी गलती का एहसास कराया और आगे भविष्य में ऐसा ना करे इसके लिए उनको एक सबक भी दिया। इसके साथ ही अनजान आदमी पर विश्वास न करने की कसम भी खाई। अब यह देखकर बीरबल का चेहरा खिल गया, यह देखकर बीरबल भी बहुत खुश हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी बीरबल, अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे बड़ा मूर्ख, है ना। आपको भी बहुत पसंद आया होगा यह पाठ पढ़ने में, मजा आया ना आपको भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी कभी भी किसी पर, ऐसे ही अनजान व्यक्ति पर जल्दी विश्वास कभी ना करें, जैसे अकबर ने किया था। ठीक है, तो आइए अब करते हैं कुछ अभ्यास कार्य। प्रश्न पहला, बादशाह अकबर ने बीरबल से क्या सवाल पूछा था, इसका जवाब आपको लिखना है। प्रश्न दूसरा, बीरबल ने कागज पर किसका नाम लिखा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।